गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। 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 सर सीएसआईआर नेट का फॉर्म फिर से आया है तो फिर से भरना है क्या सर? कि नवंबर मतलब नवंबर के दिसंबर के लिए सर अभी साइट पे दिखा रहा है जून 2020 तो हम लोगों ने तो सर भर दिया क्या अगेन मतलब फॉर्म फिर से? नहीं अगर जून का ही होगा तो आप फिर से क्यों भरना पड़ेगा? करेक्शन के लिए है। जून का अपने फॉर्म है ना नहीं भरना है सर? जो हम लोगों ने अप्रैल में जो फॉर्म फिल किया था सेम एग्जामिनेशन के लिए तो आई डोंट थिंक फिर से भरना पड़ेगा। ठीक है एक बार मैं चेक करके बताऊंगा, मैंने अभी देखा नहीं है। सो लास्ट क्लास में हमने कॉची रेसिडुअल थ्योरम के एक एप्लीकेशन डिस्कस किया था, रियल डेफिनिट इंटीग्रल जिसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा प्रेजेंट थे, तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को हमने कॉची रेसिडुअल थ्योरम से सॉल्व किया था और स्टेप्स बताया गया था कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमने क्या किया था, जो रियल इंटीग्रल था उसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में चेंज किया था यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट एंड आफ्टर दैट रेसिडुअल थ्योरम यूज किया था। ठीक है एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था तो मैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है बिकॉज नॉर्मली क्या होता है फंक्शन जो है उनमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं तो नंबर्स से सिंगुलर पॉइंट सर्किल के अंदर है मतलब कर्व के अंदर है या कर्व के बाहर है ये डिसाइड करने में आसानी होती है। लेकिन क्वेश्चन में जब कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा ए बी के टर्म्स में होगा क्वेश्चन तब हम सिंगुलर पॉइंट डिसाइड कैसे करेंगे। वैसे कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम शीट में है तो मैं एक डिस्कस कर रहा हूं दिस वन। ये प्रॉब्लम शीट का क्वेश्चन है प्रॉब्लम शीट 8 का। तो यहां पर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा गया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा 0 टू 2 पाई डी थीटा और ए और बी में ये रिलेशन गिवन है ए इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी, ए जो है इसका वैल्यू बी के मॉडुलस से ज्यादा है एंड बी ए इज पॉजिटिव, मतलब ए एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, बी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला गया है तो बी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है और बोला गया ए का वैल्यू बी के मॉडुलस से ज्यादा है तो ए और बी में ये रिलेशन गिवन है। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी मिल सकता है जिसमें कॉस थीटा के बदले साइन थीटा हो, ये जो कॉस थीटा है कॉस थीटा के बदले साइन थीटा हो उस क्वेश्चन को भी सिमिलरली ही सॉल्व किया जाता है। तो इसमें कॉस थीटा भी हो सकता है कॉस थीटा के बदले साइन थीटा भी हो सकता है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, कल जो हमने क्लास में डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर हम स्टेप वन की बात करें स्टेप वन में क्या बताया गया था, स्टेप वन में हम इंटीग्रैंड को साइन थीटा और कॉस थीटा के लीनियर पावर में लिखते हैं। ठीक है फर्स्ट स्टेप क्या था, इंटीग्रैंड को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के लीनियर पावर में, लुक एट द इंटीग्रैंड, ये जो इंटीग्रैंड है इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा जो भी प्रेजेंट है उसका पावर कितना है 1, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर कॉस थीटा और साइन थीटा के लीनियर पावर्स हैं, इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पावर होता तो हम उसको लीनियर पावर में चेंज करते, तो ऑलरेडी लीनियर पावर में है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो इसमें स्टेप वन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी लीनियर पावर में है। ऐसा कुछ केसेस आ सकते हैं जिसमें स्टेप वन का रिक्वायरमेंट ही ना हो, ऑलरेडी अगर लीनियर पावर में है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सेकेंड स्टेप क्या बताया गया था, सेकेंड स्टेप बताया गया था फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के रियल या इमेजिनरी पार्ट में लिखते हैं,
जो फंक्शन है उसको हम रियल या इमेजिनरी पार्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, और वो डिसाइड कैसे करते हैं रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। न्यूमरेटर में अगर कॉस आता है तो रियल पार्ट आएगा, और न्यूमरेटर में अगर साइन आता है तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। यहां पे न्यूमरेटर क्या है, कॉन्स्टेंट। न्यूमरेटर में साइन भी नहीं है कॉस भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी क्वेश्चन में इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें अगर न्यूमरेटर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, न्यूमरेटर में जब साइन थीटा कॉस थीटा होता है तब उसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में लिखते हैं, बट यहां पे न्यूमरेटर क्या है इज अ कॉन्स्टेंट। 1, 2, 3, 4 कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। न्यूमरेटर जब कॉन्स्टेंट है तो उसको रियल या इमेजिनरी पार्ट में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर स्टेप टू का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम स्टेप थ्री यूज कर सकते हैं। स्टेप टू इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टेप वन और स्टेप टू का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम किसमें जाएंगे, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में कुछ स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट बताए गए थे वो करेंगे। वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/2 z + 1/z। कॉस थीटा के बदले z का टर्म, और डी थीटा के बदले क्या बताया गया था, dz/i/z, ठीक है। तो यहां पे 0 to 2π के बदले क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन चलाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, यहां पे एलसीएम आएगा 2z, डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम करते हैं लेते हैं तो यहां पे 2z आएगा, तो ये z और ये z तो कैंसिल करेगा, 2 फैक्टर बचेगा। तो अब देखिए 2/i इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, एलसीएम में जो 2 है वो बाहर चला आएगा, और यहां पे एक आयोटा है वो भी बाहर चला आएगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा BZ² + 2AZ + B डिनोमिनेटर में DZ। जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट दिस। ठीक है, नाउ इसके सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है तो नॉन एसेंशियली आएगा, जैसे मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आपका अलजेब्रिक फंक्शन ही आएगा। तो जो भी सिंगुलर पॉइंट है वो नॉन एसेंशियल नेचर का होगा। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, g(z) = 0, तो g(z) = bz² + 2az + b = 0। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। z = -b + √b² - 4ac, तो b square ये आ जाएगा और 4ac आएगा, 4b² / 2a, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो अगर आप b होगा ना, b आएगा -a + √a² - b², ऊपर नीचे 2 कैंसिल करेगा अपॉन b। तो इसके दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं ये।
और दोनों किस टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स होंगे? एनीवन? आइसोलेटेड, नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड. आइसोलेट पोल का ऑर्डर होगा 1 1. दीज आर पोल्स. यहाँ पे जो टर्म है उसका पावर 1 आ रहा है, तो ये पूल ऑफ ऑर्डर 1 है. इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन दो सिंगुलर पॉइंट्स में से कौन सा सिंगुलर पॉइंट कर्व के अंदर होगा. यहाँ पे कर्व कौन क्या चूज किया जाता है? सर्कल ऑफ रेडियस 1, सेंटर 0 0 पे होता है. तो इन दोनों में से कौन सा सिंगुलर पॉइंट अंदर होगा, इसके लिए ये जो कंडीशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है. यही डिसाइड करेगा कौन सा सिंगुलर पॉइंट कर्व के अंदर होगा और कौन सा सिंगुलर पॉइंट कर्व के बाहर होगा. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. और सर्कल या कर्व यहां पे क्या चूज किया जाता है? मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1. ठीक है, पढ़िए. पे कौन सर टू कैंसिल हो गया था ना? सो सिंगुलर पॉइंट ये है. अब इसमें कौन सा सिंगुलर पॉइंट है कौन सा बाहर है, ये समझने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है ना. अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, आसान तरीका है क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ए और बी का वैल्यू एज्यूम कर लीजिए. जैसे ये कंडीशन गिवन है, अब इसके अकॉर्डिंग ए पॉजिटिव होगा, बी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ए ग्रेटर देन मॉड बी. सपोज हमने ए का वैल्यू लिया 5 और बी का वैल्यू लिया 3. अब चेक कर सकते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए का वैल्यू बी के मॉडुलस से ज्यादा है. यहां पे हमने ए तो पॉजिटिव है ही, बी को पॉजिटिव लिया है. और एक दूसरा केस आप चेक कर सकते हैं, ये ए पॉजिटिव है लेकिन बी को नेगेटिव ले लिया गया, तो बी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो एक में हमने बी का वैल्यू पॉजिटिव लिया, एक में ए नेगेटिव लिया. ठीक है, अब बताइए इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या हैं? लेट्स पुट द वैल्यूज. ए बी का वैल्यू यहां पर रिप्लेस कीजिए. और इसके अकॉर्डिंग जेड आएगा माइनस 1/3 और माइनस 3. माइनस 3, राइट. जब ए 5 और बी 3 है तो चेक करके देखिए, एक तो आएगा माइनस 1/3 और माइनस 1/3 जो आएगा वो प्लस साइन की वजह से आएगा या माइनस साइन की वजह से? यहाँ पे जो प्लस माइनस है प्लस साइन की वजह से आ रहा है. प्लस करेंगे तो आएगा माइनस 1/3 और माइनस साइन अगर कंसीडर करते हैं तो माइनस 3. तो बताइए कौन सा सिंगुलर पॉइंट अंदर है? माइनस 1/3. दिस वन मतलब पॉजिटिव साइन के वजह से जो सिंगुलर पॉइंट आया है वो इस कर्व के अंदर होगा. सिमिलरली अगर आप इस पार्ट का कैलकुलेशन करें, इसमें आएगा प्लस 1/3 एंड प्लस 3. इस चेक बी का वैल्यू अगर आप माइनस 3 लेते हैं तो ये प्लस 1/3 एंड प्लस 3, जो 1/3 है इट विल कम फॉर पॉजिटिव साइन
प्लस साइन कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन में तो 1/3 आएगा, और माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो प्लस 3 आएगा। ये आसानी से चेक करके देख सकते हैं। इस केस में भी जो 1/3 है यही सर्कल के अंदर होगा। तो ये दो एग्जांपल लेने का फायदा क्या हुआ, यहां से ये पता चला बी का वैल्यू आप पॉजिटिव कंसीडर करो या बी का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करो, दोनों में ही कौन सा सिंगुलर पॉइंट कंसीडर करेगा, मतलब कर्व के अंदर होगा, जो प्लस साइन की वजह से आएगा। प्लस साइन होने की वजह से, मतलब यहां पे सॉल्यूशन में क्या था, सिंगुलर पॉइंट में प्लस माइनस दोनों थे, प्लस साइन की वजह से जो सिंगुलर पॉइंट आएगा वो इस कर्व के अंदर होगा। बी का वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, एज यू विश। आप कोई दूसरे नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जो भी ए आर बी चूज करेंगे वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस कंडीशन को। ऐसा नहीं है 5 और 3 लेना है, कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर्कल का रेडियस 1 लिया जाता है सच दैट कैलकुलेशन आसान हो। रेडियस अगर 1 ना लेके कोई दूसरा चूज करते हैं तो कैलकुलेशन मुश्किल होता है। यहां पे जस्ट हमने ए और बी का वैल्यू चूज किया है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ए 5 है, बी 3 है, तो ए का वैल्यू बी के मॉडुलस से ज्यादा है, बी 3 है तो बी का मॉडुलस भी कितना होगा, 3। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे ए 5 है, बी माइनस 3, तो बी का मॉडुलस कितना होगा, माइनस 3 का मॉडुलस होता है 3, ए का वैल्यू का मॉडुलस ज्यादा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा आप ए और बी चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 5 और 3 चूज कीजिए, ये जस्ट हमने समझने के लिए किया। इसने क्वेश्चन किया है रेडियस अगर हम 4 लेते तो अंदर, अगर दोनों पॉइंट अंदर हो जाते, अगर रेडियस 4 लेते तो क्या यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन किया था ये सेम रहता, ये जो कॉस थीटा के बदले ये लिखा गया था ये कब आता है, जब हम रेडियस 1 लेते हैं। रेडियस अगर आपका 4 होगा तो ये कॉस थीटा का जो एक्सप्रेशन है ये भी चेंज कर जाएगा। ये सारा जो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया था, कॉस थीटा के बदले ये रिप्लेस करेंगे, डी थीटा के बदले ये रिप्लेस करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब हम सर्कल का रेडियस 1 चूज करते हैं। सर्कल का रेडियस अगर हम 1 ना चूज करके 4 चूज करें तो ये सब्स्टिट्यूशन सारे चेंज हो जाएंगे, ये फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो सेम सिंगुलर पॉइंट तो आएंगे ही नहीं। तो यहां पे जो भी कैलकुलेशन किया जा रहा है वो रेडियस 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग किया जा रहा है। रेडियस चेंज करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन ही स्टेप 1 से चेंज कर जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से ये आइडिया तो लग गया कि कौन सा सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा जो पॉजिटिव साइन में है। पॉजिटिव साइन मतलब माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। दिस सिंगुलर पॉइंट विल लाई विद इन द सर्कल। ओके, कोई डाउट है इसमें, ये सिंगुलर पॉइंट कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, ऐसे चेक किया हमने। तो कैलकुलेट करते हैं, तो मैं पिछले स्लाइड में जा रहा हूं। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या था, 2 अपॉन आयोटा इनटू दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यू, और रेसिड्यू किस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे, सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैं।
सर इसमें मॉड जेड कुछ भी चूज कर सकते हैं, मतलब मॉड ये रेडियस जो मॉड जेड होता है ये कुछ भी चूज कर सकते हैं क्या? चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा बट फाइनल आंसर सेम आएगा। ना चूज करके आप 3, 4, 5 कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये वाला पार्ट डिफरेंट होगा, कॉस थीटा के बदले अलग एक्सप्रेशन आएगा, डी के बदले अलग एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है सर? हर क्वेश्चन में 1 भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, आप 1 लो 4 लो सेम आंसर आता है, 1 में कैलकुलेशन आसान होता है इसलिए हम 1 लेते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या था, 2 अपॉन आयोटा, और जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था कॉची रेसिडुअल थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड इक्वल टू दिस। और किस टाइप का सिंगुलरिटी है? सिंपल पोल। सिंपल पोल के लिए 2 मेथड बताए गए थे, यहां पे कौन से मेथड अप्लाई करेंगे? थर्ड मेथड 2 सेकंड से। मेथड सेकंड सर, मेथड 2 यूज करते हैं। मेथड 2 यहां पे जो फंक्शन था वो क्या फॉर्मेट में था? 1 अप बी स्क्वायर 2 प्लस बी। यहाँ पे आपको यहाँ 2 फैक्टर्स तो आएंगे बिकॉज जेड स्क्वायर प्रेजेंट है, लेकिन आपको 2 फैक्टर अलग अलग दिख रहा है? नहीं, 2 फैक्टर आने चाहिए बट अलग अलग दिख तो नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन में मेथड 3 यूज कीजिए। मेथड 3 क्या था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर ये है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2BZ प्लस 2A, और Z के बदले जो सिंगुलर पॉइंट है वो वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। जस्ट ये Z का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा 2π/ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल। ध्यान रखिएगा फाइनल आंसर जो है वो ऑलवेज रियल आएगा, बिकॉज जो ओरिजिनल फंक्शन था वो रियल फंक्शन था ना, तो रियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? रियल ही आएगा। यहाँ पे जस्ट हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज कर रहे हैं। जो ओरिजिनल फंक्शन था वो रियल फंक्शन था, तो रियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तब भी वो रियल वैल्यू ही आएगा। तो ये जो आंसर आएगा ये ऑलवेज एक रियल क्वांटिटी होगा। जस्ट हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द इंटीग्रल। अब देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, ये आयोटा फैक्टर ऑलवेज कैंसिल कर जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आयोटा था और रेसिड्यू थ्योरम से एक आयोटा आएगा, ये आयोटा ऑलवेज कैंसिल करेगा बिकॉज ओरिजिनल फंक्शन रियल था तो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी रियल आना चाहिए। किसी ने क्वेश्चन किया है अगर हम इसमें a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस 2 लेते तो क्या होता? अब देखिए a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू अगर हम माइनस 2 लेते तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्वेश्चन में जो ये गिवन था ये वैल्यूज क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? b अगर माइनस 2 है तो मॉडुलस कितना होगा? प्लस 2। नहीं हो रहा है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना क्वेश्चन में जो गिवन है।
माइनस टू का मॉडुलस तो प्लस टू है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए और बी का ऐसा वैल्यू चूज कीजिए जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। सर आप बोल रहे थे ना कि अगर रेडियस चेंज हो जाएगी तो कोस थीटा की जगह पे जो अभी हमने पुट किया है हम वो पुट नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? जब सर्कल का रेडियस 1 लिया गया था तो z इक्वल टू क्या लिखा गया था? z होता है r e टू द थीटा थीटा, यस। तो r के बदले हमने 1 लिखा था और उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस आए थे। अगर रेडियस ऑफ 4 लेते हैं तब z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 e की पावर आइटा थीटा। इसका मतलब यहां पर जो e टू दी पावर आयोटा थीटा है वो बन जाएगा z बाई 4। तो अगर आपको कहीं पे लिखना है होता है 1/2, को म्यूट रखिए। तो cos थीटा ये होता है। अब बताइए यहां पे अगर आप रिप्लेस करते हैं e टू दी पावर आयोटा थीटा के बदले क्या होगा? z बाई 4 और e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा के बदले क्या होगा? 4/z। लेकिन इसमें लिखा था हमने cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम रेडियस 1 यूज करते हैं तब ये आता है 1/2 z प्लस 1/z। तो ये सब्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो जाएगा? हां जी सर, थैंक यू सर। चेंज होगा, सिंगुलर पॉइंट भी चेंज होगा। ठीक है, थैंक यू। सो नाउ इस तरीके से हम इसका वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे जो हमने इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व किया तो वो इंटीग्रेशन है, वन सेकंड, जो हमने इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व किया वो है इंटीग्रेशन 0 to 2π 1/a+b cos थीटा d थीटा। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया 2π अंडर रूट a² - b² ठीक है ना। आप देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में या प्रॉब्लम शीट में भी क्वेश्चन है जिसमें a+b cos थीटा होल स्क्वायर है। जैसे यहां पे a+b cos थीटा का पावर कितना है? 1 है। यहां पे पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। a+b cos थीटा इसका पावर 1 ना होके 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पे पावर 1 ना होके 2 होता है तो बता सकते हैं, कैलकुलेशन सिमिलरली कर सकते हैं। 1 ना होके 2 होता है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज म्यूट कर दो सबको। अगर यहाँ पे पावर 1 ना होके 2 होता है तो डिफरेंस क्या आएगा? ये सेकेंड ऑर्डर पोल होगा बेसिकली। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, आंसर करने के बाद आप प्लीज खुद को म्यूट खुद ही कर लीजिए, बस बार बार ऐसे म्यूट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप आंसर बताइए और उसके बाद खुद ही म्यूट कर लीजिए। तो यहां पे पावर जब 1 था तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या आए थे? सिंपल पोल आए थे। पावर जब 2 होगा तो वो सिंपल पोल ना आके सेकेंड ऑर्डर पोल आएगा।
पावर जब थ्री होगा तो वो थर्ड ऑर्डर पोल आएगा। तो यहाँ पे पावर वन रहे, टू रहे या थ्री रहे, कैलकुलेशन करने का टेक्निक तो सेम है जो रेसिड्यू थ्योरम का बताया गया। डिफरेंस सिर्फ क्या आएगा, पावर वन है तो सिंपल पोल, पावर टू है तो सेकेंड ऑर्डर पोल, पावर थ्री है तो थर्ड ऑर्डर पोल। लेकिन जब पावर टू या थ्री होता है उसमें कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पोल के लिए रेसिड्यू कैलकुलेशन करने का जो टेक्निक है उसमें डेरिवेटिव करना पड़ता है, जो मेथड फोर बताया गया था। तो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पोल के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट करना है तो मेथड फोर यूज करेंगे और उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है जो हमने अभी डिराइव किया, इससे आप बाकी रिजल्ट्स आसानी से डिराइव कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट्स का मतलब यहां पे पावर वन ना होके अगर टू या थ्री होता है क्या आंसर आएगा, यह आप इसी इंटीग्रेशन से बता सकते हैं। उसमें आपको रेसिड्यू थ्योरम याद करने रखने का या उसको अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर आपने दोनों तरफ आपने ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, ये बेसिकली किसका फंक्शन है, देखिए दोनों तरफ रिजल्ट जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ए या बी प्रेजेंट है, तो डेरिवेटिव हम ए के रेस्पेक्ट में करते हैं या बी के रेस्पेक्ट में। हमने यहां पे ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, बी को क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट। तो अगर हम ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये क्या है, वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। और चेन रूल में ए प्लस बी कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा वन, तो वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा था, ये क्या फॉर्मेट है, वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ए प्लस बी कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। इसे देखिए, देन डी थीटा, और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बेसिकली क्या है, ये टू पाई ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल द पावर थ्री बाई टू, पाई मतलब ये फंक्शन क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर माइनस वन बाई टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे टू पाई माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू ए। तो यहां पे देखिए दोनों तरफ जो माइनस साइन है ये कैंसिल कर जाएंगे, ये टू और ये टू फैक्टर कैंसिल करेगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जीरो टू टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, और राइट हैंड साइड में देखिए आएगा टू पाई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर थ्री बाई टू, और इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा गया था, ये पावर टू होगा तो क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का रेसिड्यू थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर पोल आएगा, रेसिड्यू कैलकुलेट कीजिए जैसे हमने कुछ देर पहले कैलकुलेशन किया, लेकिन यह ज्यादा आसान तरीका है। अगर आपको यह रिजल्ट पता है, अगर आप जस्ट ये रिजल्ट ध्यान रखते हैं तो आप ये रिजल्ट काफी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। जस्ट आपको एक बार ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो एग्जामिनेशन के लिए अगर आप ये फॉर्मेट याद रखते हैं, यहां पे पावर वन के बदले टू थ्री फोर कुछ भी हो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पावर टू है
तो एक बार डेरिवेटिव किया, अगर हमें यहाँ पे पावर थ्री होता तो इसका फिर से डेरिवेटिव करते, सपोज यहाँ पे a प्लस बी कोस थीटा होल क्यूब रहता तो इसका फिर से डेरिवेटिव करते। इसका अगर आप फिर से a के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चलेगा, या आप कैलकुलेट करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर में थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये आप चेक करके देखिएगा क्या आ रहा है। तो बोलने का मतलब ये है, अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हैं, आप यहां पे पावर में टू रहे, थ्री रहे, फोर रहे, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पावर में टू है तो एक बार डेरिवेटिव, पावर में थ्री है तो दो बार डेरिवेटिव, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव हमने ए के रेस्पेक्ट में इसलिए लिया है सच दैट ये फॉर्मेट आ जाए। अगर आप ए के रेस्पेक्ट में ना लेके बी के रेस्पेक्ट में लेते हैं, आप पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, ये जो दोनों साइड है किसका फंक्शन है, ए और बी का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आइदर ए के रेस्पेक्ट में होगा या बी के रेस्पेक्ट में होगा। ध्यान रखिएगा थीटा का फंक्शन नहीं होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है और थीटा का लिमिट क्या है, जीरो टू टू पाई। तो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है उसमें थीटा का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, ए और बी पे। तो पार्शियल डेरिवेटिव आइदर हम ए के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं या बी के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। अगर आपने यहां पे ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ना लेके बी के रेस्पेक्ट में लिया होता तो ये इंटीग्रेशन नहीं आता। यू कैन चेक इट, हमें जैसा इंटीग्रेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। One second. ये हमारे पास इंटीग्रेशन का वैल्यू पता था, वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा इज फ्रॉम जीरो टू टू पाई, इसका वैल्यू आया था टू पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना सपोज हमने यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ना लेके मान बुला लें, दो सी बुला लें, मान प्लीज खुद को म्यूट रखिए। अगर हम यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ना करके बी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, स्वीटी मान आप अपने आप को फिर से अनम्यूट क्यों कर लेते हो सभी? तो अगर हम ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ना करके बी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए क्या आएगा, माइनस वन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और बी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ए का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा, इसका डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में कुछ भी कुछ आएगा, ठीक है, वो हमारा अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो आप देखेंगे ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमें क्या इसका वैल्यू चाहिए था? नहीं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बताइए, लेकिन हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए अगर आप बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो फायदा कुछ नहीं होगा। ओके
एनी अदर क्वेश्चन? राइट, क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा ये कौन किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है. जैसा हमें इंटीग्रेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. यहां पे हम एग्जैक्ट मेथड में नहीं जा रहे हैं. अगर आपको एग्जैक्ट मेथड करना है तो उस केस में तो हम इसको लीनियर पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट मेथड में नहीं जा रहे हैं. एग्जैक्ट मेथड में करेंगे तो जो बताया गया था वो लिनियर पावर में चेंज करना, ऑल दिस या कुछ करना ही पड़ेगा. हम यहाँ पे एग्जैक्ट मेथड की बात नहीं कर रहे हैं. ये रिजल्ट अगर पता है तो हम डेरिवेटिव करके ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं. एग्जैक्ट मेथड में वही करना पड़ेगा जो स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री बताया गया था. ठीक है, किसी ने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है? यस सर. सर अगर ये एंगल हमारे पास 0 टू पाई ले रखा है, लिमिट ले रखा है, और हम सर कर लेते हैं, अगर ये सर 0 से पाई होता तब भी हम सर ऐसे कर सकते थे? 0 से पाई नहीं, जैसे मैंने बताया था उसको पहले 0 टू पाई में चेंज करना पड़ेगा. मतलब ये डेरिवेटिव कर सकते थे? नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि हम जैसे हमने मतलब ये रियल फंक्शन को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया है, तो 0 से पाई अगर लिमिट गिवन हो किसी क्वेश्चन में तो रियल फंक्शन को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्लोज्ड कर्व होना चाहिए ना. यस. तो 0 पाई में क्या पूरा सर्कल आएगा? नहीं आएगा, बट फिर वहां पर कोई मतलब टेक्निक को लगाने के लिए कुछ उसमें आपको देखना पड़ेगा. जनरली क्या होता है, जो जिस क्वेश्चन में 0 से पाई तक होता है ना, उसमें क्या है, से पाई और पाई से टू पाई में फंक्शन सिमिलर फॉर्मेट का गिवन होता है. आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन में जब लिमिट 0 टू पाई होता है, बस कोई फंक्शन में लिमिट जो है वो 0 टू पाई है, ठीक है, सम फंक्शन डी थीटा. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, 0 से पाई इस इंटरवल में फंक्शन का जो नेचर होगा, पाई से टू पाई के बीच में फंक्शन का नेचर सेम आएगा. इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फंक्शन का नेचर सेम आएगा. और ये जब सेम नेचर आता है तो इस इंटीग्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और उसके बाद जो टेक्निक बताया गया वो यूज करेंगे. आपको 0 टू 2 पाई में कैसे ना कैसे चेंज करना ही है, बिकॉज जब तक 0 टू 2 पाई नहीं होगा तब तक रेसिड्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रॉब्लम ही आएगा. ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप देखेंगे 0 टू पाई के बीच में फंक्शन का जो नेचर है, पाई से 2 पाई के बीच में भी फंक्शन का नेचर सेम दिख रहा है, सिमिलर. इसलिए 0 टू पाई को आप 1/2 0 टू 2 पाई इसमें चेंज कर सकते हैं. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है? सर अगर दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता, ए के साथ भी होता, तो फिर क्या करते? किसमें? तो जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल डेरिवेटिव करते क्या? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तब तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू वैलिड नहीं है.
उसमें तो अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर। तब मतलब जैसे जो सिंपल दोनों को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज करके साइन थीटा और कॉस थीटा को, तब वैसे करते ना? बिल्कुल, ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कर सकते उस केस में। पार्शियल डेरिवेटिव हम तब कर रहे हैं जब हमें ये रिजल्ट पता है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर ए साइन थीटा होता तो फॉर्मेट ही चेंज कर गया, इसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, तो अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है सर। तो फॉर एग्जामिनेशन इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, ए प्लस बी कॉस थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें ए और बी के बदले कुछ नंबर्स गिवन होंगे, ए और बी के बदले कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उसमें आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए चार इंटीग्रल ध्यान रखिएगा, इस टाइप का अगर इंटीग्रल आता है तो डायरेक्ट आप ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने चार इसलिए लिखे हैं बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी रहते हैं तो एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चार फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्मेट का आता है तो डायरेक्ट जो ये रिजल्ट लिखे गए हैं ये यूज कर दीजिए, एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा फॉर्मेट होता है तब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, जो अभी हमने ड्राइव किया वही है, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ बताइए सर, ये फॉर्मूलास तो ठीक है, मतलब जैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जैसे बताया, अगर इसमें पावर हो, मतलब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का हो, तो इसमें तो पार्शियल डेरिवेटिव फिर नहीं ले पाएंगे, मतलब वो यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, करेंगे ना। अगर सपोज यहाँ पे तो मैं टू तक लिखा है ना, अगर सपोज थ्री पूछ लिया जाता, पावर अगर थ्री है तो इस रिस्पेक्ट पड़ेगा। ठीक ठीक, लेकिन अगर ए और बी अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हाँ? तब आपको पहले ये जनरल फॉर्मूला रिजल्ट डिराइव करना पड़ेगा। पहले जैसे सब ए और बी नंबर है और पावर में थ्री है, ठीक है, ठीक है, रिजल्ट का पार्शियल डेरिवेटिव और पावर के रिजल्ट आ गया वो चेक कीजिए, फिर ए और बी के बदले जो क्वेश्चन में गिवन है वो रिप्लेस कीजिए। पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसका वैल्यू पता चलेगा, 1 बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होल, ठीक ठीक है, फिर क्वेश्चन में जो ए और बी का वैल्यू है ना उसमें रिप्लेस कर दीजिए। ओके सर। बस पहले रिप्लेस करेंगे तो फिर तो जीरो ही आएगा। हाँ हाँ, ठीक है सर। किसी ने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है सर? इन दोनों फॉर्मूले में साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंस है, बट इंटीग्रल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। हाँ, तो कैलकुलेशन से ही आया है ना, जैसे मैंने कॉस थीटा वाला कैलकुलेशन किया वैसे साइन थीटा वाला कैलकुलेशन कीजिए, ये कैलकुलेशन करके पता चला है। और इसको आप ऐसे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं ये सेम क्यों आ रहा है, बिकॉज आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में कॉस थीटा एक में साइन थीटा है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 2π लिमिट के अंदर कॉस थीटा के जितने जो डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है साइन थीटा के भी वही डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। इंटीग्रेशन करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, सम करना, इंटीग्रेशन इज बेसिकली ए समेशन। तो 0 to 2π के बीच में कॉस थीटा के जितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं साइन थीटा के भी वही वैल्यूज पॉसिबल है, सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या होता है, एक पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, बट सिंस यहाँ पे हम
समेशन कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर द एंटायर इंटरवल, तो इस इंटरवल के अंदर cos थीटा और sin थीटा का जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो सेम है, तो जब समेशन करेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए रिजल्ट भी सेम आ रहा है। sin थीटा cos थीटा का वैल्यूज तो सेम ही होते हैं ना, सिर्फ पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। जैसे sin थीटा cos थीटा भी कहां से कहां तक है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है। sin थीटा भी कहां से कहां तक है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में। तो 0 टू 2 पाई इंटरवल में cos थीटा के जितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, sin थीटा का भी उतने ही डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। सिर्फ एक पाई बाई टू का फेज डिफरेंस चला आता है, बट सिंस हम एंटायर इंटरवल में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम वैल्यू ही देगा। ठीक है, ठीक है। किसी ने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, बताइए। सर अगर अगर ए और बी के बदले कोई नंबर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट 2 पाई बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वो वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल, जस्ट ये चेक कर लीजिएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, और फिर अगर उसका मतलब जैसे यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है तो हाँ, उसके बाद हम लोग फिर उस मतलब उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे? नहीं नहीं, मतलब सपोज 1 प्लस 5 प्लस 4 cos थीटा होल स्क्वायर दिया हुआ है तो प्लus 4 cos तो इस थीटा होल स्क्वायर, तो उस केस में सर हम लोग कैसे करेंगे? मतलब पहले तो यहां पे 1 प्लस 1 बाय ये ऐसा बता रहे हैं 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा होल स्क्वायर, ये है ना? अब बताइए ये जो इंटीग्रल है ये क्या इस फॉर्मेट का है? यस सर। और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू, अच्छा मतलब डायरेक्ट वहां पे 2 पाई इनटू 5 बाय, यहाँ पे क्या है 5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 25, बी स्क्वायर इज 16 टू द पावर 3/2। ये रिजल्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट जस्ट मैच करना चाहिए, जो भी आंसर समथिंग कुछ होगा। थैंक यू सर। क्या क्वेश्चन है, हैंड रेस किया इन्होंने? सर ये हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ जो फॉर्मेट इसी में रहेगा सिर्फ उसी में कर सकते हैं, जैसे 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा या 1 अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, तो सर हायर ऑर्डर जब हमें लेना होगा तो सिर्फ ऐसा फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ उसी में कैलकुलेट करेंगे ना? फॉर्मेट अगर आपका चेंज होता है तो डेरिवेटिव में वो आना भी तो चाहिए। ये जो टर्म है इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो इसी का तो पावर चेंज होगा। हाँ, तो फॉर्मेट जब इस फॉर ए प्लस बी कॉस थीटा टू दी पावर एन रहेगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ये। सर यदि ए माइनस बी कॉस थीटा रहा तो ए माइनस बी कॉस थीटा होगा, तो पहले आपको ए माइनस बी कॉस थीटा वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा तब उसके बाद अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ पर a प्लस बी cos थीटा वाला पार्ट बता दिया, नाउ जैसे हमने a प्लस बी cos थीटा वाला पार्ट चेक किया वैसे अगर आप कैलकुलेट करें ये भी एक इंटीग्रेशन आ सकता है 0 टू 2 पाई 1 अपॉन a माइनस बी cos थीटा, ऐसा भी एक इंटीग्रेशन बन सकता है। तो जैसे हमने a प्लस बी cos थीटा वाला कैलकुलेशन किया रेसिड्यू थ्योरम से, आप ये कैलकुलेट कीजिए कुछ वैल्यू पता चलेगा। अब ये अगर पता चल गया तो बताइए इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ए के रेस्पेक्ट में करते हैं
तब वो किस इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चलेगा? वन अपॉन वन माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ओरिजिनल जो ये पावर वन है ये वैल्यू पता होना चाहिए। यस ठीक है, ये पता कर सकते हैं यहां से। और ये वैल्यू जो है ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम से कैलकुलेट कीजिए। यस आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम के लिए, टाइम बचाना है तो। सर ये डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन थीटा की फॉर्म आती है तो उसमें साइन थीटा की वैल्यू अपन रिप्लेस करते हैं तो उसमें आयोटा आता है, तो क्या सर अपन को रेशनलाइजेशन करना है क्या उसके लिए? आयोटा हाँ डिनोमिनेटर के टर्म में जब साइन थीटा आता है उसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आयोटा आता है, तो वो आयोटा और जो dz अपॉन आयोटा z में आयोटा है वो कैंसिल कर जाएगा एक। सर लेकिन फिर जब अपन वो एलसीएम लेके फिर करेंगे तो वो जो टर्म बनेगी ना अलजेब्रिक टर्म उसमें भी तो आयोटा ही जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है जे, एक सेम आंसर नहीं आ रहा है? नहीं आंसर नहीं, मुझे तो अभी करने में दिक्कत आ रही है, जैसे 1 अपॉन a + b sin थीटा है ना तो sin थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे उसमें जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे वो आयोटा के फॉर्म में आएंगे जैसे। अच्छा ठीक है ठीक है। आयोटा आयोटा मतलब क्या है? y एक्सिस के ऊपर है। नहीं आपने जिसे बोला था ना कि अपन करके रियल पार्ट लेते हैं तो फिर मैंने सोचा रेशनलाइजेशन करके रियल पार्ट ले लेते हैं। नहीं नहीं जैसा आ रहा है वैसे कीजिए, सिंगुलर पॉइंट आएगा आयोटा के फॉर्म में फिर रेसिड्यू कैलकुलेट कीजिए। ओके सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम का और एक एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ रियल इंप्रॉपर इंटीग्रल्स। रियल इंप्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू भी हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब इस फॉर्मेट के जो इंटीग्रल्स होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलने का मतलब क्या है? नॉर्मली इंटीग्रेशन में कोई एक लिमिट, आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट और बोथ अगर इंफिनिटी बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये जो बोला गया है रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो यहां पर जो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट और बोथ। विल बी इनफाइनाइट, आइदर अपर लिमिट लोअर लिमिट या दोनों इनफाइनाइट, मतलब प्लस इंफिनिटी भी बन सकता है माइनस इंफिनिटी भी बन सकता है, तब हम उस इंटीग्रल को क्या बोलेंगे? इंप्रॉपर इंटीग्रल। और यहां पे हम इसी टाइप का इंटीग्रल कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये रियल इंप्रॉपर इंटीग्रल है मतलब जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन में फंक्शन है f ऑफ x वो एक रियल फंक्शन है। It is an real function. ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं जो दो टाइप मैं यहां पे कराऊंगा
वही सिर्फ पॉसिबल है, उसके अलावा भी और भी डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल है। ये मैंने दो टाइप में इसलिए डिवाइड किया है बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको दो टाइप में डिवाइड किया है। इसके अलावा भी जो टाइप्स हैं वो एग्जाम में नॉर्मली पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और यहां पर इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट टेक्निक है, जो एग्जाम में जल्दी से आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा जब कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो एग्जैक्ट टेक्निक है उसके बारे में जस्ट मैं एक आइडिया दूंगा जो एग्जैक्ट टेक्निक में ऐसे सॉल्व किया जाता है। मैं एग्जैक्ट टेक्निक से सॉल्व करने के लिए मना इसलिए कर रहा हूं, दैट इज अ वेरी वेरी लेंथी टेक्निक, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना जो एग्जैक्ट टेक्निक है वो काफी लेंथी टेक्निक है, ठीक है, इसीलिए एग्जाम में आप उतना टाइम नहीं मिलेगा जब आप उतना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम दो टाइप डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और शॉर्टकट टेक्निक की बात पहले करते हैं जो एग्जाम में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइप वन रियल इंप्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन में देखिए फंक्शन किस तरीके का है। फंक्शन इज पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, इस फॉर्मेट का है, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। पी और क्यू क्या है, देखिए क्या लिखा गया है, पी एंड क्यू आर एल्जेब्रिक फंक्शंस ऑफ एक्स। पी और क्यू जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शंस ऑफ एक्स है एंड देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स। पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर है तो पहले उसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू दोनों ही क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शंस, और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, इस टाइप का फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इसमें आप देख सकते हैं जो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में ही क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, दोनों में क्या प्रेजेंट है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, हम लोग सिंस यहां पे शॉर्टकट टेक्निक यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट टेक्निक में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट ये चीज ध्यान रखिएगा ये शॉर्टकट टेक्निक कब एप्लीकेबल है, ठीक है। नेट एग्जामिनेशन के अलावा, नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा हम शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑल राइट, लेकिन आपको पता रहना चाहिए शॉर्टकट टेक्निक एप्लीकेबल कब है। ऐसा नहीं है जो कोई भी फंक्शन रहेगा और अब उसके लिए अप्लाई करेंगे, ये चेक करना जरूरी है एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स इंटू पी बाई क्यू विल टेंड टूवर्ड जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तभी शॉर्टकट टेक्निक एप्लीकेबल है। एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स इंटू पी बाई क्यू शुड टेंड टूवर्ड्स जीरो, ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए तब शॉर्टकट टेक्निक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सेटिस्फाई ना करे तो क्या करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करता उसमें ये शॉर्टकट टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है, उसमें आपको एग्जैक्ट टेक्निक ही यूज करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी आप ये शॉर्टकट टेक्निक जो बताया जाएगा वो आप यूज कर सकते हैं, अगर ये सेटिस्फाई ना करे तो आपको एग्जैक्ट टेक्निक ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम उस पार्ट को यहां पर डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करता ही है, इसलिए जिन क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा उनमें एग्जैक्ट टेक्निक ही यूज करना पड़ेगा, और उस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अगर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो उस क्वेश्चन को ट्राई ना करना ही बेटर है, एग्जैक्ट टेक्निक इज वेरी मच लेंदी, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मिनिमम 15-20 मिनट लग जाएंगे, एक क्वेश्चन में हम 15-20 मिनट तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते 3 घंटे के एग्जामिनेशन में,
ठीक है, आप अलग से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पे 15-20 मिनट इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो शॉर्टकट टेक्निक एप्लीकेबल है, और जैसा बताया गया उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन के लिए चेक करता हूं, जो इस फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या आप ये शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं? लेट्स चेक इस फंक्शन के लिए। तो फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4+1, ये था। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मतलब इसी को हम p बाई क्यू बोल रहे थे, दिस इज p अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या चेक करना है, एज x टेंस टू इंफिनिटी, तो एज x टेंस टू इंफिनिटी नॉर्मली हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑफ x इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें, इंफिनिटी लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है पहले डिस्कस किया था, वही टेक्निक है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी दिस, तो ऊपर x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर x क्यूब प्रेजेंट है और नीचे x टू दी पावर 4+1, तो हाईएस्ट पावर x टू दी पावर 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1+1 अपॉन x टू दी पावर 4, ये बेसिकली आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी दिस, एक्स क्यूब कैंसिल करके नीचे सिर्फ x बचेगा, ये आ जाएगा। नाउ आप x के बदले इंफिनिटी रिप्लेस करके देखिए, दिस लिमिटिंग वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार चेक कर लीजिएगा, जो आप जो शॉर्टकट टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें एप्लीकेबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको यह इंटीग्रेशन पूछा जाता है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये शॉर्टकट टेक्निक यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो गिवन जो कंडीशन बताया गया उस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसको कैलकुलेशन करना है तो हम शॉर्टकट टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो शॉर्टकट टेक्निक है उसमें क्या स्टेप्स फॉलो होता है और हम ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक आइडिया दे दूंगा जो एग्जैक्ट टेक्निक बेसिकली होता क्या है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, जो शॉर्टकट टेक्निक में क्या स्टेप्स फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेप वन क्या है, चूज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिस, हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस फॉर्मेट का चूज करना है, बिकॉज रेसिड्यू थ्योरम यूज करना है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो चूज करना ही पड़ेगा। p अपॉन q, इसका मतलब क्या है, रियल फंक्शन जिस फॉर्मेट का था, रियल फंक्शन क्या था, p अपॉन q, जो रियल फंक्शन था f ऑफ x,
ये था पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। दिस इज द रियल फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो भी इसी फॉर्मेट का होगा, सेम फॉर्मेट का चूज किया जाता है, जस्ट एक्स के बदले क्या होगा जेड। जैसे जो इंटीग्रल की हम बात कर रहे थे उसमें एफ ऑफ एक्स क्या था, देखिए एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन, ये था। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से जब इसको सॉल्व करना है तो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे, इसी फॉर्मेट का अज्यूम करेंगे, जस्ट एक्स के बदले जेड आएगा। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय जेड टू द पावर फोर प्लस वन। जो एफ एक्स का फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट का एफ एक्स इस फॉर्मेट का था, एफ ऑफ जेड को भी हम सिमिलर फॉर्मेट का चूज करेंगे, जस्ट एक्स के बदले क्या होगा जेड, एक्स के बदले जेड चलाएगा ओनली। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप देखिए क्या लिखा गया है, स्टेप टू, फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एंड देयर नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। जो ये एफ ऑफ जेड है इसका सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और नेचर ऑफ सिंगुलरिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड टू द पावर फोर प्लस वन। इस टाइप के फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो प्लीज चेक करके देखिए, इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट आएगा e टू दी पावर z इक्वल टू e टू दी पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई बाय 4 और n का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, चार रूट्स आएंगे तो 0, 1, 2, 3 और ये क्या है सिंपल पोल्स आएंगे, बिकॉज z टू दी पावर 4 प्लस 1 के पावर्स क्या है 1, सो दीज आर सिंपल पोल्स। आई थिंक कैलकुलेशन हो जाएगा सिंगुलर पॉइंट का, ऑलरेडी आप लोगों ने डीपीपी शीट 7 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे सिंगुलर पॉइंट, तो मैं इस पार्ट को रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो फंक्शन है उसका सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, सिंगुलर पॉइंट ये आएगा और ये सारे क्या होंगे सिंपल पोल्स। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, थर्ड स्टेप ये जो f ऑफ z कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज्यूम किया था उसका इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इस इंटरवल में क्या होगा 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स विच लाई इन द अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेसिड्यू, और यहां पे हम सिर्फ किस सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जो अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अपर हाफ में है, प्लस पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स विच लाई ऑन द रियल एक्सिस। पाई आयोटा सम ऑफ द रेसिड्यू, यहां पे कौन से रेसिड्यू लेंगे जो सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहां पे कौन से सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे जो अपर हाफ में है एंड रियल एक्सिस के ऊपर है। रीजन मैं कुछ देर बाद बता रहा हूं, ओनली सिंगुलर पॉइंट्स विच लाई इन द
अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन and on real axis will contribute. ये अच्छे से याद रखिएगा. कौन से सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे? जो सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में है और रियल एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, सिर्फ वही सिंगुलर पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे. रीजन मैं अभी बता रहा हूं, ये लोअर हाफ वाले क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ अपर हाफ वाले क्यों करेंगे. और अपर पॉइंट्स हैं, उन पे रेसिडुअल कैलकुलेट करना है और साथ में क्या होगा, 2 पाई आयोटा. और जो रियल एक्सिस के ऊपर है उन पे रेसिडुअल कैलकुलेट करके पाई आयोटा. ये 2 पाई और पाई क्यों आ रहा है ये भी बताएंगे, ठीक है. तो एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे. एंड फाइनल स्टेप, हमें ओरिजिनली किसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था, एफ ऑफ एक्स का. ओरिजिनली हमने एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जो ऊपर लिखा गया है. एफ जेड के इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आएगा एफ एक्स के इंटीग्रेशन में भी सेम वैल्यू आएगा, एंड दिस विल गिव द फाइनल आंसर. दिस आर द स्टेप्स ऑफ द शॉर्टकट टेक्निक जो हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. फ्रेंकली स्पीकिंग जो ये शॉर्टकट टेक्निक है उसमें भी आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. पहले आपको फंक्शन चूज करना है, फिर सिंगुलर पॉइंट चेक करना है, फिर आपको देखना है कौन सा सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में है और कौन सा सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर है, सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेंगे. फिर ये फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो जो शॉर्टकट टेक्निक है उसमें भी मिनिमम आपको 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे मिनिमम, ठीक है. एग्जैक्ट टेक्निक तो और ज्यादा लेंदी है, इसलिए हम उस टेक्निक से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में. स्टेप्स में किसी को डाउट है जो स्टेप्स बताए गए? हम इस क्वेश्चन में आ रहे हैं बिकॉज ये ऑब्वियस सा डाउट है. सिर्फ हम वही पॉइंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, अपर हाफ में रियल एक्सिस के ऊपर है. अभी तक तो बोल रहे थे जो कर्व के अंदर होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो लोअर हाफ वाले क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा ये 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है या इसके साथ पाई मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा क्यों हुआ. तो इन क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, ठीक है. एवरीवन क्लियर अबाउट द स्टेप्स? तो जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे वो कैलकुलेट करते हैं. फंक्शन क्या था? फंक्शन ओरिजिनल ये था, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है. और सिंगुलर पॉइंट जो है वो ये आ गया था, तो इन्हीं का यूज करेंगे और स्टेप थ्री फॉलो करेंगे, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या आया, तो क्या अज्यूम किया था हमने, z स्क्वायर अपॉन z टू द पावर 4 प्लस 1, इसके सिंगुलर पॉइंट्स आ गए z इज इक्वल टू n का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं, 0, 1, 2, 3 था तो n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये 4 सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे.
ठीक है, एन का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ये चार सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे। नाउ इन द कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन, अगर हम इन पॉइंट्स का पोजीशन ड्रॉ करते हैं, बिकॉज कंट्रीब्यूट कौन करता है, जो अपर हाफ में होगा और रियल एक्सिस के ऊपर होगा वही कंट्रीब्यूट करता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जो चार सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। पहला सिंगुलर पॉइंट क्या है, e टू द पावर आयोटा पाई बाई फोर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, मॉडुलस मतलब r का वैल्यू कितना है, 1, r मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, और आर्गुमेंट कितना है, थीटा पाई बाई फोर। तो ये जो पॉइंट है यहां पे होगा e टू द पावर आयोटा पाई बाई फोर, मॉडुलस 1 है और एंगल कितना होगा पाई बाई फोर। अब देख सकते हैं इस एंगल इज पाई बाई फोर बिकॉज आर्गुमेंट पाई बाई फोर है। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई फोर, e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई फोर, इसका मॉडुलस भी कितना होगा 1। ये जो पार्ट है इसका मॉडुलस भी कितना है 1 और आर्गुमेंट कितना है 3 पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहां पे कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 3 पाई बाई फोर, 3 पाई बाई फोर का मतलब क्या है 135 डिग्री और मॉडुलस 1 है। दिस इज द सिंगुलर पॉइंट e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई फोर। ऐसे आप बाकी दो पॉइंट भी देख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई फोर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये एंगल से आप आइडिया लगा सकते हैं 5 पाई बाई फोर थर्ड क्वाड्रेंट में है और e टू द पावर आयोटा 7 पाई बाई फोर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस सेकंड मॉडुलस चारों में ही 1 आएगा, ये जो लेंथ है ये 1 आएगा चारों में ही बिकॉज मॉडुलस 1 है। इस फंक्शन के बेसिकली चार सिंगुलर पॉइंट्स हैं चार क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। एनीवन, ये पॉइंट का जो पोजीशन है वो क्लियर है, बस पोजीशन इंपॉर्टेंट है, बस कौन सा पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा कौन सा नहीं करेगा ये समझना जरूरी है। जस्ट हम ये एंगल से पता लगा रहे हैं पाई बाई फोर किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई फोर सेकेंड क्वाड्रेंट, 5 पाई बाई फोर थर्ड क्वाड्रेंट और 7 पाई बाई फोर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें अपर हाफ में कौन है और लोअर हाफ में कौन है, अपर हाफ में कितने पॉइंट्स हैं, लुक एट द डायग्राम, अपर हाफ में कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो अपर हाफ में 2 पॉइंट्स हैं, लोअर हाफ में 2 पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ जो पॉइंट अपर हाफ में है वही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ जेड डी जेड, जो स्टेप 3 बताया गया, इसमें दोनों सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये दोनों लोअर हाफ में है तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, दो पॉइंट्स आएंगे e टू द पावर आयोटा पाई बाई फोर प्लस रेसिड्यू एट z इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई फोर। इसमें सेकेंड पार्ट क्यों नहीं आएगा, सेकेंड पार्ट मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फॉर्मूले में एक पाई आयोटा भी तो था, मैं पिछले स्लाइड में जा रहा हूं, ये जो पाई आयोटा पार्ट था, पाई आयोटा कब आता है, जब सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर होता है, सिंगुलर पॉइंट जब रियल एक्सिस के ऊपर होगा तब ये सेकेंड पार्ट आएगा, लेकिन यहां पे कोई भी सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर नहीं है इसलिए सेकेंड पार्ट नहीं आया है, जो पाई आयोटा वाला पार्ट था।
तो जस्ट ये आप कैलकुलेट कीजिए, इसी से आपको जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा पता चल जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। सारे सिंपल पोल्स हैं, प्लीज कैलकुलेट। सिंपल पोल है, मेथड थ्री यूज कीजिए। टू पाई आयोटा मेथड थ्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूमरेटर सेम रहता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और फिर जेड के बदले ये रिप्लेस करेंगे। यहां पर भी सेम, जस्ट पॉइंट चेंज करेगा। रेसिड्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर पता चल जाएगा। और इसमें जो भी आंसर आएगा वही एफएक्स के इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, सेम आता है। ये जो भी रिजल्ट होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एफएक्स डीएक्स, ये हमें ओरिजिनल कैलकुलेट करना था, इट विल बी सेम एज जो एफजेड डीजेड का इंटीग्रेशन है। ठीक है, आई थिंक ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी ने आंसर बताया है पाई बाय रूट टू, प्लीज चेक इट, बिकॉज मैंने फंक्शन जो है ना आर्बिट्री चूज किया था, मुझे आंसर एग्जैक्टली पता भी नहीं है फाइनल आंसर क्या है, मैंने आर्बिट्री एक फंक्शन चूज कर लिया था। पाई बाय रूट टू आएगा बता रहे हैं, प्लीज चेक इट। दो लोगों ने बताया पाई बाय रूट टू है, ठीक है। फाइनल आंसर जो है वो रियल आएगा, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल फंक्शन रियल था तो फाइनल आंसर भी रियल ही आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डीएक्स इज इक्वल टू पाई बाई रूट टू। ठीक है, मेथड क्लियर एवरीवन, जो शॉर्टकट टेक्निक स्टेप्स बताए गए, पहले फंक्शन चूज करना है, फिर सिंगुलर पॉइंट चेक करना है, फिर इंटीग्रेशन का वैल्यू, और कौन से सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे, जो अपर हाफ में होंगे और रियल एक्सिस के ऊपर होंगे, सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, किसी ने क्वेश्चन किया है अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट आए तो क्या हम हमेशा रियल पार्ट होंगे, इसमें कभी इमेजिनरी पार्ट आएगा ही नहीं। अगर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है तो यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ये जो हम टाइप वन डिस्कस कर रहे हैं, टाइप वन में आंसर ऑलवेज रियल ही आएगा, इमेजिनरी आ ही नहीं सकता। अगर इमेजिनरी आ रहा है तो आप कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहां पर रियल पार्ट लेने का कोई मतलब नहीं है, रियल ही आएगा, इमेजिनरी आ ही नहीं सकता। अगर इमेजिनरी आ रहा है तो कैलकुलेशन को एक बार चेक कीजिए फिर से। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, यहां पे जस्ट आप क्या कीजिए, यहां पे देखिए कुछ जेड तो कैंसिल करेगा, जेड स्क्वायर सिर्फ जेड बचेगा,
ये z ये वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ऑयलर्स फॉर्मूला यूज कीजिए, z के बदले ये रिप्लेस करने के बाद ऑयलर्स फॉर्मूला यूज कीजिए, मतलब एक्सपोनेंशियल को साइन कोसाइन में लिख दीजिए, फिर उसका वैल्यू पता चल जाएगा, वहीं से आएगा आंसर पाई बाय रूट टू। जस्ट ये z रिप्लेस करने के बाद ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करना है, साइन कोसाइन में लिख के वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हमने तो शॉर्टकट टेक्निक देखा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये पार्ट भी बारे में थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए जो एग्जैक्ट टेक्निक होता कैसा है, थोड़ा बहुत आइडिया तो रहना चाहिए जो एग्जैक्ट टेक्निक होता कैसा है। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो मैंने बताया, कौन से सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे, वही सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे जो रियल एक्सिस के ऊपर रहते हैं एंड अपर हाफ में होता है, जो लोअर हाफ में होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? इसका रीजन यह है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सिंपल क्लोज्ड कर्व चूज किया जाता है वो एक सेमी सर्कुलर कॉन्टूर होता है, फुल सर्किल नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्टूर चूज किया जाता है वो एक सेमी सर्कुलर कॉन्टूर होता है, लाइक दिस, फुल सर्किल नहीं होता। दिस पार्ट सपोज सी आर, आर इज द रेडियस, एंड दिस लाइन, इस क्लोज्ड कर्व लेना जरूरी है तभी हम रेसिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। दिस इस टाइप के इंप्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो क्लोज्ड कर्व चूज किया जाता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, क्लोज्ड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो है सेमी सर्किल सी आर इन द अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो क्लोज्ड कर्व के दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट है सेमी सर्किल सी आर इन द अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, प्लस क्लोज्ड कर्व में जो सेकेंड पार्ट होता है वो रियल एक्सिस के अलोंग है। रियल एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर अलोंग रियल एक्सिस। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्लोज्ड कर्व चूज किया जाता है उसके अंदर ये दो पार्ट्स होते हैं। लुक एट द डायग्राम, पहला पार्ट क्या है? एक सेमी सर्कल है, देखिए दिस इज द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल किस प्लेन में है? अपर हाफ में है। किस रीजन में है? अपर हाफ। तो एक सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल अपर हाफ में है, प्लस एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, ठीक है? तो एक सेमी सर्कल प्लस एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मिलेगा जिसके अलोंग हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और आप लोगों के माइंड में अभी डाउट आ रहा होगा, अभी तक सारे क्वेश्चन में तो हम फुल सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जनरली फुल सर्कल की बात कर रहे थे। स्क्वायर रेक्टेंगल तो नॉर्मली गिवन होता है, बट मैक्सिमम जगह पे हम क्या कर रहे थे? फुल सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो हमने साइन थीटा कॉस थीटा वाले इंटीग्रेशन किए उसमें भी क्या चूज किया गया था? फुल सर्कल चूज किया गया था। तो इसमें हाफ सर्कल क्यों चूज किया गया है? यहाँ पे फुल सर्कल चूज क्यों नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा,
कॉन्टूर क्या चूज करना है ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, मतलब जिस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उससे हमें डिसाइड करना पड़ता है जो कर्व क्या चूज करेंगे, मतलब कर्व ऐसा चूज करना पड़ेगा सच दैट रेसिड्यू थ्योरम से उस इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो हर जगह पे आपको सर्कल ही चूज करना है, आपको कर्व ऐसे चूज करना पड़ेगा सच दैट जब आप रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तब आपको रेसिड्यू थ्योरम से उस इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चल जाए जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो इस पार्ट में मैं आ रहा हूं जो ये सेमी सर्कुलर कॉन्टूर क्यों चूज किया जाता है, इससे ये इंटीग्रेशन आता कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने क्या बताया, कौन सा सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा, जो अपर हाफ में होगा या रियल एक्सिस के ऊपर होगा, ये बताया मैंने। आई थिंक इससे ये तो क्लियर है, जो सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में होंगे, सपोज कुछ सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में है Z1, Z2, कुछ सिंगुलर पॉइंट्स लोअर हाफ में है Z3, Z4 सपोज, और सपोज कुछ सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर है Z5, Z6। कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें कुछ सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में है, कुछ सिंगुलर पॉइंट लोअर हाफ में है और कुछ सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर है। अब आप बताइए यहां पर कौन से सिंगुलर पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, अभी तक जो भी हमने रेसिड्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा है, कौन से सिंगुलर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे? अपर हाफ और जो रियल एक्सिस के ऊपर है। राइट, जो अपर हाफ और रियल एक्सिस के ऊपर है वही कंट्रीब्यूट करेंगे चार पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग, जो ये Z3 और Z4 है ये तो कर्व के बाहर है, जो कर्व चूज किया गया है इसके बाहर है, तो ये दोनों तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बोला था जो सिंगुलर पॉइंट लोअर हाफ में आएंगे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज जो कर्व चूज किया गया है वो अपर हाफ में चूज किया गया है। कंट्रीब्यूट कौन करेगा? एक तो Z1 कंट्रीब्यूट करेगा, Z2 कंट्रीब्यूट करेगा जो अपर हाफ में है, और Z5 और Z6 भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, Z1 का कंट्रीब्यूशन और Z5 का कंट्रीब्यूशन क्या सेम होगा? Z1 का और Z5 का कंट्रीब्यूशन? नो सर। क्यों? Z5 हाफ सर्कल होगा। जो Z5 और Z6 है वो कर्व के ऊपर है और जो Z1 Z2 है वो कर्व के अंदर है। कल मैंने एक पॉइंट बताया था, कॉची रेसिड्यू थ्योरम में बेसिकली क्या किया जाता है, जो सिंगुलर पॉइंट है उसको कर्व के बाहर निकाला जाता है। तो यहां पे आप देखिए Z1 Z2 को बाहर निकालने के लिए फुल सर्कल ड्रॉ किया गया है। Z1 Z2 को बाहर निकालने के लिए फुल सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, इसलिए Z1 Z2 का कॉरिस्पॉन्डिंग जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें 2π आएगा, फुल सर्किल 2π इनटू रेसिड्यू। लेकिन जो पॉइंट कर्व के ऊपर है Z5 Z6 कर्व के ऊपर है, तो इनको बाहर निकालने के लिए फुल सर्किल ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, हाफ सर्किल से ही काम चल जाएगा। तो Z5 और Z6 के कॉरिस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा πi। फॉर्मूले में इसीलिए दो पार्ट अलग अलग लिखे गए थे, बिकॉज जो सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में होगा उसको बाहर निकालने के लिए फुल सर्कल ड्रॉ करना होगा, और जो सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर होगा Z5 एंड Z6, ये दोनों रियल एक्सिस के ऊपर है, इनको कर्व के बाहर निकालने के लिए हाफ सर्कल से ही काम चल जाएगा, इसलिए यहां पर πi आया है। हाफ सर्कल में एंगल कितना होता है? पाई। ठीक है, जो मैंने कुछ देर पहले यहां पे फॉर्मूला बताया था, दिस वन, सम ऑफ द रेसिड्यूज एट सिंगुलर पॉइंट्स व्हिच लाई इन द अपर हाफ,
जो सिंगुलर पॉइंट अपर हाफ में है उनको बाहर निकालने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फुल सर्कल। इसलिए यहाँ पे रेसिड्यू के साथ 2πi मल्टीप्लाई हुआ है, 2πi इज द एंगल कॉरिस्पोंडिंग टू ए फुल सर्कल। एंड सेकेंड पार्ट में क्या था, सिंगुलर पॉइंट्स विच लाई ऑन रियल एक्सिस, जो सिंगुलर पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर है उनको बाहर निकालने के लिए हाफ सर्कल से काम चल गया, तो क्या मल्टीप्लाई किया गया, पाई आयोटा। सेमी सर्कल के कॉरिस्पोंडिंग एंगल कितना होता है, पाई। तो अपर हाफ में जो सिंगुलर पॉइंट्स है उनको बाहर निकालने के लिए फुल सर्कल, इसलिए 2πi आया है, और जो रियल एक्सिस के ऊपर है उनको बाहर निकालने के लिए हाफ सर्कल, इसलिए यहां पे पाई आया है इस फॉर्मूले में। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, सिर्फ अपर हाफ और रियल एक्सिस पे जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है, लोअर हाफ वाले क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लोअर हाफ वाले कर्व के बाहर है। एंड अपर हाफ वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसमें 2πi आएगा, बिकॉज अपर हाफ वाले सिंगुलर पॉइंट को बाहर निकालने के लिए फुल सर्कल ड्रॉ करना पड़ रहा है, और जो रियल एक्सिस के ऊपर है उन सिंगुलर पॉइंट्स को बाहर निकालने के लिए हाफ सर्कल से काम चल गया, इसीलिए यहां पे पाई आया है, पाई आयोटा। ठीक है, आयोटा वाला पार्ट जो है वो जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाता है उसमें आता है, लेकिन पाई जो फैक्टर है वो हाफ सर्कल का जो एंगल है उससे आया है। ठीक है, तो ये क्लियर है कौन से पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे और किसके कंट्रीब्यूशन में 2πi आएगा और किसके कंट्रीब्यूशन में पाई आएगा। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेमी सर्कल ही क्यों चूज किया गया, फुल सर्कल चूज करते तो क्या दिक्कत हो जाता, फुल सर्कल चूज करते तो Z3 Z4 भी अंदर चला आता, सडनली हाफ सर्कल क्यों चूज किया गया, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कर्व ऐसे चूज किया जाता है सच दैट रेसिड्यू थ्योरम से वो इंटीग्रेशन आ जाए जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए ये जो कर्व चूज किया गया ना, क्लोज्ड कर्व जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं, इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई किया पहले, इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग रेसिड्यू थ्योरम सपोज हमने अप्लाई किया, सपोज एक तो रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fz dz इक्वल टू 2πi आयोटा इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज, और जो रियल एक्सिस पे है उनके लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज, जो अभी फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। ओके, बट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन नहीं पूछा गया है, ये इंटीग्रेशन क्या है, fz का इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व के अलोंग, क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन थोड़ी ना पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन पूछा गया था। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बताइए, और ये दोनों सेम तो नहीं है, जो ये इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन, ये सेम तो नहीं है, तो गलती से इसका वैल्यू मत बता दीजिएगा। अब देखिए ये जो क्लोज्ड कर्व है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला पार्ट सेमी सर्कल के अलोंग होगा, दूसरा पार्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, कोई मुझे क्वेश्चन कर रहा है, ये जो फॉर्मूले में माइनस पाई आयोटा था, ये जो प्लस पाई आयोटा है ना, ये जब एक्चुअल कैलकुलेशन किया जाता है
ये फैक्टर बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये जो पाई आयोटा वाला पार्ट है ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन में, ये जो पाई आयोटा वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड से आता है। जब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है तब वो माइनस पाई आयोटा आता है जो आप बोल रहे हैं, राइट हैंड साइड में जाके वो प्लस पाई आयोटा ही बन जाता है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड से आता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस पाई आयोटा के फॉर्म में होता है, राइट हैंड साइड में वो प्लस पाई आयोटा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए पहला इंटीग्रेशन होगा सेमी सर्कल के अलोंग, प्लस सेकंड वन स्ट्रेट लाइन था माइनस आर टू प्लस आर एफ जेड डी जेड। जो क्लोज्ड कर्व था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, राइट हैंड साइड जैसा था वैसे ही रख देते हैं, बस वो तो रेसिड्यू वाला पार्ट है। ठीक है, नाउ टेकिंग द लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, कैपिटल आर किसका रेडियस था, कैपिटल आर था सेमी सर्कल का रेडियस, जो कैपिटल आर है कैपिटल आर किसका रेडियस था, सेमी सर्कल का जो रेडियस है। तो टेकिंग द लिमिट आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी इस लिमिट में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी दिस वैल्यू, मैं दिस इंटीग्रेशन प्लस माइनस आर टू प्लस आर के बदले क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। जब हम आर टेंस टू इंफिनिटी लिमिट लेंगे मतलब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में जो माइनस आर टू प्लस आर था उसके बदले क्या चला आएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और बताइए ये जो माइनस आर टू प्लस आर था ये स्ट्रेट लाइन किस एक्सिस के अलोंग था, माइनस आर टू प्लस आर जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग था एक्सिस, सो अलोंग रियल एक्सिस वाई का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो वाई अगर जीरो है तो जेड के बदले हम क्या, एक्स एक्स। सेकेंड पार्ट में जो इंटीग्रेशन था वो रियल एक्सिस के अलोंग है, ये जो इंटीग्रेशन है ये रियल एक्सिस के अलोंग है, और रियल एक्सिस के अलोंग जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स, ये जो एफ जेड डी जेड था उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड जैसा वैसे ही रखते हैं। ने जस्ट क्या किया, ये सेकेंड पार्ट में जो इंटीग्रेशन था ये एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग था, और स्ट्रेट लाइन किसके अलोंग है, रियल एक्सिस के अलोंग। तो रियल एक्सिस के अलोंग वाई जीरो होता है तो जेड के बदले एक्स लिख सकते हैं, तो ये जो एफ जेड है वो एफ एक्स बन जाएगा और जो डी जेड है वो डी एक्स बन जाएगा, और आर इंफिनिटी का अप्रोच कर रहा है तो माइनस आर टू प्लस आर क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और अगर आप ध्यान से देखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में इसी का वैल्यू पूछा गया था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा गया था। तो जो मैंने बताया जिस इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए वो इंटीग्रेशन आना भी तो चाहिए, अगर आप यहाँ पे सेमी सर्कल चूज ना करके फुल सर्कल चूज कर लेते तो ये पार्ट तो आता ही नहीं। ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी क्यों आया है, ये इसलिए आया है बिकॉज आपने
एक सेमी सर्कल चूज किया है प्लस एक स्ट्रेट लाइन चूज किया, ये पार्ट है। ये जो माइनस आर टू प्लस आर है यही से क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर आप ये चूज ना करके फुल सर्कल चूज कर लिया होता, फुल सर्कल में क्या माइनस आर टू प्लस आर आता? अगर आप फुल सर्कल चूज करते तो क्या माइनस आर टू प्लस आर आता कभी? तो मतलब ऐसा कर्व चूज करते फुल सर्कल, इसमें तो एक ही पार्ट है ना, इसमें तो माइनस आर टू प्लस आर आता ही नहीं। अगर माइनस आर टू प्लस आर नहीं आता तो उसको आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कैसे चेंज कर पाएंगे, दिक्कत होगा। क्लियर ना? अगर आप फुल सर्कल चूज कर लेते तो माइनस आर टू प्लस आर इसमें तो आता ही नहीं, दिस पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और माइनस आर टू प्लस आर अगर नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये इंटीग्रल लाना क्या पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जैसा हमें इंटीग्रेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्टूर चूज करना है। और ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सेमी सर्कुलर कॉन्टूर ही चूज किया जाता है, बिकॉज सेमी सर्कुलर कॉन्टूर में माइनस आर टू प्लस आर आएगा और आर को जब आप इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये माइनस आर टू प्लस आर क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। जब आर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तब माइनस आर टू प्लस आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, जो यहां पर बताया गया। और ये रियल एक्सिस होने की वजह से एफ जेड डी जेड किस में बन जाएगा, एफ एक्स डी एक्स में चेंज हो जाएगा। यहां से हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है ना, आपके माइंड में ये डाउट हो रहा होगा ये फर्स्ट पार्ट का क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू जीरो आ जाएगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वैल्यू भी जीरो आएगा, जो लिमिटिंग इंटीग्रेशन का नहीं लिमिटिंग वैल्यू, ये जो पार्ट है इसका वैल्यू भी हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जीरो आएगा। किस तरीके से देखिए, जीरो टू पाई से करेंगे कैसे, कैपिटल आर टेंस टू इंफिनिटी, सपोज जो फंक्शन अभी हमने कैलकुलेट किया था ना वो फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन जेड टू द पावर फोर प्लस वन, ये फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन सेमी सर्कल कह लो। ठीक है, तो बताइए सेमी सर्कल का रेडियस कितना था, आर। तो यहां पे हम जेड के बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, जेड के बदले हम लिख सकते हैं कैपिटल आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म। सेमी सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर मॉडुलस आ जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा जेड टू दी पावर फोर, जेड के बदले ये। और डी जेड के बदले क्या आ जाएगा, दिस इनटू दिस चेक आयोटा आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा। जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस आर है कैपिटल आर, तो हमने जेड के बदले क्या रिप्लेस किया, कैपिटल आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, उसके अलोंग इंटीग्रेशन है। तो डी जेड के बदले आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिए, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, दिस यही रिप्लेस किया गया है। ठीक है, क्लियर। अब इससे देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और इसमें वेरिएबल क्या है इस इंटीग्रेशन में, वेरिएबल कौन है जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लिया, थीटा। और बताते थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, जीरो टू पाई। सेमी सर्कल था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा का लिमिट होगा जीरो टू पाई।
मैं डायग्राम में जा रहा हूं, थोड़ा सा देख सकते हैं, ये सेमी सर्कल है, यहां पे थीटा का वैल्यू कितना होता है जीरो, यहां पे थीटा का वैल्यू पाई होता है, लिमिट होगा जीरो टू पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट कैपिटल आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन, ऊपर आएगा जेड स्क्वायर आर स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा टू थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा आर टू द पावर फोर ई टू द पावर आयोटा फोर थीटा प्लस वन, और मल्टीप्लीकेशन में है आर आयोटा, सॉरी, ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए, लिमिट क्या है, आर टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में जीरो टू पाई, जो ये फंक्शन है उसके न्यूमरेटर में आर का पावर कितना आएगा, न्यूमरेटर में, थीटा वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो फाइनाइट कुछ आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, थ्री आर क्यूब, न्यूमरेटर में आर क्यूब भी आएगा सर, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक आर मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना, यस सर, और नीचे आर का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर आर टू द पावर फोर इंटू सम क्वांटिटी जो थीटा वाले पार्ट से आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ आएगा वैल्यू। तो ऊपर आर का पावर क्या है क्यू थ्री और नीचे क्या है आर फोर, तो आर क्यूब कैंसिल करेगा, ये होगा वन अपॉन आर, ठीक है। तो बताइए आर टेंस टू इंफिनिटी पे इसका वैल्यू कितना बनेगा, जीरो, जीरो। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, जो लिमिटिंग वैल्यू था, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है वो पता चल गया। तो ये एग्जैक्ट टेक्निक में ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक कर्व चूज किया गया, इसे मैं रिवाइज कर देता हूं एक बार, एक कर्व चूज किया गया पहले, फिर इस कर्व को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट है सेमी सर्कल, दूसरा पार्ट है ये स्ट्रेट लाइन, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नाउ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लाने के लिए क्या किया गया, टेकिंग द लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब आर टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो ये माइनस आर टू प्लस आर बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये स्ट्रेट लाइन रियल एक्सिस के अलोंग था तो एफ जेड डी जेड बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये जीरो आ जाएगा, ये हमने एक एग्जाम्पल से डिस्कस किया। तो ये जीरो आ गया, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें चाहिए था, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो आया था, इसका ही शॉर्टकट टेक्निक हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में इतना सारा मतलब लेंथी टेक्निक करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। हेलो सर। हाँ बताइए सर, ये सेमी सर्कल का कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं रहा, फिर भी हम इंटीग्रेशन में क्यों उसकी रेसिडियस सिंगुलर पॉइंट्स ऐड करते, सेमी सर्कल ना लेके सिर्फ ये लेते तो क्या वो क्लोज्ड कर्व बनता, लुक एट दैट, सेमी सर्कल कंट्रीब्यूट ना कर ना लेते, सिर्फ ये लाइन लेते, अब बोल सकते हैं माइनस इनफिनिटी तो यही है तो टू प्लस आर रेसिड्यू थ्योरम यूज करने के लिए क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, अगर प्लस आर टू प्लस आर चूज करते हैं ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, सिर्फ ये अगर पार्ट की बात करें। चूज करने के दो पार्ट लिए गए हैं, किसी ने क्वेश्चन किया है यहाँ पे हमने हाफ सर्कल लोअर हाफ में क्यों नहीं लिया, हम हाफ सर्कल लोअर हाफ में भी ले सकते हैं बट वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी चूज करें तब आंसर आएगा, फाइनल आंसर सेम होगा अगर अपर हाफ में करके लोअर हाफ में चूज करते हैं। सर ये कर्व स्क्वायर भी हो सकता
क्या स्फीयर करती हो सकती है अपन हाफ का स्फीयर कर स्फीयर स्फीयर पर्टिकुलर फंक्शन करके लिए होगा ठीक है. स्क्वायर किसी अलग टाइप के फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है नॉट फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शंस. रीजन डिफाइंड नहीं होगा क्वेश्चन में, सिर्फ ये गिवन होगा क्वेश्चन में, सिर्फ ये क्वेश्चन ये गिवन होगा. इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और इस टाइप को सॉल्व करने का यही टेक्निक है. सेमी सर्कुलर कॉन्टूर लेके कैलकुलेशन किया जाता है. क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला जाएगा इसका इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और कुछ नहीं. ठीक है एग्जाम में आप जस्ट ये शॉर्टकट टेक्निक जो बताया गया वो यूज करेंगे. ठीक है और कोई क्वेश्चन है? सर बताइए. इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए और अल्टरनेटिव मेथड्स कौन सी रहेगी ये थ्योरम के अलावा? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करते हैं बट रियल फंक्शन के लिए तो और भी मेथड है, मतलब कॉम्प्लेक्स के अलावा भी मेथड्स हैं. उसमें जनरली क्या किया जाता है, सपोज जो फंक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके, जैसे मैं एक टेक्निक बताता हूँ, ये भी एक टेक्निक है बट हम यहाँ पे उसका यूज नहीं करेंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स का कोई यूज नहीं है. बहुत टाइम पे ऐसा भी किया जाता है, सपोज हमारे पास इंटीग्रल ये है तो पहले क्या किया जाएगा, पहले इस इंटीग्रल का वैल्यू पूछा, ये इंटीग्रल लिखा गया माइनस आर टू प्लस आर, इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई यूज नहीं है. दिस इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लिख सकते हैं माइनस आर टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस आर एफ एक्स डी एक्स. ठीक है तो पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा. नाउ हमें ओरिजिनली क्या कैलकुलेट करना था, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, तो इसमें पहले इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर आर का लिमिट इनफिनिटी का, मतलब आर का वैल्यू इनफिनिटी अप्रोच कराया जाता है. दिस इक्वल टू लिमिट आर टेंस टू इनफिनिटी माइनस आर टू प्लस आर, मतलब पहले एक फाइनाइट लिमिट के अंदर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है माइनस आर टू प्लस आर और फिर आर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी, ये लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. ये एक टेक्निक है बट इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई यूज नहीं. ठीक है हम यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं. सर हाँ बताइए. सर हमारे पास इसमें क्वेश्चन में रीजन तो डिफाइन नहीं होगा ना, इसमें सर्कल, तो हम क्वेश्चन में सिंगुलर पॉइंट का कैसे डिसाइड करेंगे कि सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, या हम यूनिट सर्कल लेंगे? मैंने इस क्लास के ये टाइप ऑन में फंक्शन जब इस फॉर्मेट का होगा तो जो टेक्निक बताया गया वही यूज करेंगे, वही कॉन्टूर चूज करेंगे. फंक्शन जब इस फॉर्मेट का होगा और इस करेगा वो सेमी सर्कल कंटूर ही चूज किया जाता है,
जो मैंने डिस्कस किया, इस टाइप का होना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमने कही थी, हमने ज्यादा बोला हम कहीं पर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा? एक चीज बताओ, हम क्या ले रहे हैं, लिमिट क्या? यहाँ पे लिमिट क्या लिया गया है? इनफाइनाइट। तो जस्ट हम सिंपल आर लेंगे और लिमिट इंफिनिटी तक जाएगा, ऐसा कोई वैल्यू चूज करने का कोई जरूरत नहीं है। इस रेडियस को आपको अप्रोच करवाना है, मतलब जितने भी पॉइंट अबव रियल एक्सिस हैं वो सभी इंक्लूड ही करेंगे हम। बिल्कुल। सर जो हमने इसमें स्टेप्स फॉलो किए हैं वो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी के लिए किए हैं, तो जो बाकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं अपर लिमिट इनफिनिटी और दूसरा था जो, वो दोनों के लिए भी वैलिड है ये शॉर्टकट टेक्निक थर्ड है। लिमिट में माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी होना चाहिए तभी एप्लीकेबल है ये टेक्निक। इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें जीरो टू इन्फिनिटी था, तो वहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करके जीरो टू इन्फिनिटी को माइनस प्लस में चेंज कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है इसमें लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। जैसे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो लिमिट होगा जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, लेकिन उसमें ये जो एफ एक्स होगा वो इवन फंक्शन होगा, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, तो एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं वन इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या उसमें लिमिट ये होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और होता है तो मे बी ये टेक्निक एप्लीकेबल ना हो जो हम कॉम्प्लेक्स में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये जो मैंने टेक्निक बताया इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में तो ऐसे ही आएंगे। और कोई क्वेश्चन सर? सर जब जीरो टू इन्फिनिटी हमारा लिमिट रहेगा तो इवन फंक्शन ही आएगा, ऑड फंक्शन नहीं देगा? नहीं, बिकॉज ऑड फंक्शन में वो जैसा मैंने बताया ऑड फंक्शन हो सकता है लेकिन उसके लिए शॉर्टकट टेक्निक वैलिड नहीं होगा। okay, हम यहाँ पे जनरली शॉर्टकट टेक्निक यूज, अदरवाइज अगर आप दे तो सकता है आप, उसमें आपको एग्जैक्ट टेक्निक यूज करना पड़ेगा। जो एग्जैक्ट टेक्निक बताया गया वो यूज करना पड़ेगा। okay. हाँ बताइए सर, जो डीपीपी 8 का 13 का 5 क्वेश्चन है देख आज कौन करो जस्ट वन सेकंड। हाँ, 8 का कौन सा क्वेश्चन सर? 13 का फिफ्थ क्वेश्चन। 13 का फिफ्थ, आज जो मेथड ये फॉर्मूला बताया वही यूज कीजिए ना। हाँ सर, वो मतलब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू रूट टू है और b 1 है, तो उसमें तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ऊपर से एक माइनस साइन भी है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे ना। माइनस है तो उसमें कैलकुलेट ले लीजिए ना। हाँ, मतलब जो प्रोसीड्यूर है स्टैंडर्ड वो ही फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग नहीं लिख पाएंगे ना। फॉर्मूला से आप ऐसे कर सकते हैं, सपोज आपका क्या है 0 टू 2 पाई 1 अपॉन रूट 2 माइनस कॉस थीटा, ये है। आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू 2 पाई 1 अपॉन रूट टू प्लस
थीटा बी नेगेटिव भी हो सकता है ना, अब ए कितना है माइनस वन, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, बी नेगेटिव है इस केस में, ए इज पॉजिटिव बी माइनस होगा तो हम लोग बी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्या, अगर माइनस आता है तो प्लस करके बी का वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सॉरी, 2 माइनस ट्राई कर रहे हैं, अगर अगर इनके लिए में माइनस पाई टू इनके लिए डेड वाला पाई होती तो क्या करते हैं, अगर क्या होता लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई, अब देखिए कॉस थीटा तो पीरियोडिक फंक्शन है ना, कॉस थीटा जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो कॉस थीटा का माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में जो नेचर है, जीरो टू पाई के बीच में भी तो सेम नेचर ही होता है, जीरो टू टू पाई के बीच में, तो इस फंक्शन का माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में जो नेचर है जीरो टू पाई में भी सेम नेचर होगा, बिकॉज फंक्शन के अंदर जो कॉस थीटा प्रेजेंट है इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, और टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, इसलिए अगर माइनस पाई टू प्लस पाई भी रहता है तब भी ये सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस पाई टू पाई को आप 0 टू 2 पाई में चेंज कर सकते हैं, इस समय चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, लिमिट वही रख के भी, कुल ये हमें पता है इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर नहीं पता होता तो कैलकुलेट करना ही पड़ता, फंक्शन ऑलवेज यही आएगा, जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट का आ गया तब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे डिफरेंट हो उसमें चेंज कैसे बता रहे हो आप, किसमें डिफरेंट फंक्शन मिल जाए हमें तो फिर उसमें चेंज कैसे होगा, कैसे बताया जैसे एग्जांपल बता दो, अगर फंक्शन डिफरेंट है तब के रिजल्ट वैलिड होगा, नहीं नहीं सर वो तो वैलिड नहीं होगा, मीन्स अगर वो वैलिड हो जैसे फॉर्मेट सेम हो तो हम कर सकते हैं ना, चाहे यहाँ पे साइन हो या कोस हो, जो भी पीरियोडिक फंक्शन है जैसे इस फॉर्मेट से मैच करे तो, जब तक ये नेचर सेम है तब तक हम चेंज कर सकते हैं, यस सर ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके सर। हेलो सर, सर ये ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ऑलवेज पॉसिबल है, तो ए लेस देन जीरो के लिए तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते है, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये तो सर ए ग्रेटर देन जीरो के लिए हमेशा पॉसिबल है, ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो सर ए लेस देन जीरो के लिए सपोज यहाँ पर माइनस रूट टू के बदले अगर ये रूट टू के बदले अगर माइनस रूट टू रहता तो सर हम लोग तो अप्लाई कर सकते थे, तो पूरे इंटीग्रेशन से माइनस को मूल लेके माइनस को बाहर ले जाते, ओ ओके सर, और अगर सर ए प्लस माइनस ए प्लस बी कॉस थीटा अगर रहता तो तब भी हम माइनस तब भी तो कर सकते थे, हां ठीक है सर माइनस को मूल ले लें, थैंक यू सर। यस सर, एक बार 7th का डी पार्ट देखिए, कौन से शीट का, कौन सा प्रॉब्लम शीट, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये किस चीज का इक्वेशन है? एलिप्स। एलिप्स, ये एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन के डी पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है वह है टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वन बाई रूट टू होल स्क्वायर, जो टू है उसको नीचे लिख रहे हैं, प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये भी किसका इक्वेशन है? इलिप्स का। इलिप्स का सेंटर कहां पे होगा? इसका सेंटर कहां पे है? जीरो माइनस वन। जनरल फॉर्मूले में है एक्स नॉट वाई नॉट, इसमें एक्स नॉट जीरो है वाई नॉट माइनस वन, इसका सेंटर होगा जीरो माइनस वन। एंड ए का वैल्यू है वन बाई रूट टू और बी का वैल्यू है वन। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, सेंटर है जीरो माइनस वन पे, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सपोज जीरो माइनस वन ये है, ठीक है, एंड ए इज वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू का मतलब 0.707 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और बी है वन, ऐसा कुछ आएगा। इलिप्स ए कितना है? ए इज वन बाय रूट टू, ए का मतलब होता है सेमी, मतलब यहां पे ए का वैल्यू कम है तो सेमी माइनर एक्सिस, और बी जो है इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये सेमी मेजर एक्सिस लेंथ होगा, बी इज वन, ये होगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जो फंक्शन है उसका सिंगुलर पॉइंट इसके बाहर है या अंदर है। फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहाँ पे है? इसके अंदर, सेंटर पे। एक अंदर होगा जो माइनस आयोटा पे, हाँ जी। दो सिंगुलर पॉइंट्स है, एक अंदर होगा, हाँ जी। जो माइनस आयोटा है वो इसके अंदर होगा। इसी तरह ही इसका एट का सिक्स्थ पार्ट भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सरकार में। नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 का जो 6th पार्ट है उसमें नोटिस कीजिए जो कर्व गिवन है वो फुल सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2 बोला गया है। अगर आप मॉड का फॉर्मूला रिप्लेस करें तो ये बेसिकली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मॉड जेड का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। तो इस सर्कल का सेंटर कहां पे है? 0 0, और रेडियस कितना है? 2 यूनिट। और इस सर्कल में एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? एक्स का वैल्यू इस सर्कल के ऊपर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? एक्स का वैल्यू माइनस टू से प्लस टू, रेडियस टू है ना, और वाई का वैल्यू भी कहां से कहां तक वेरी करेगा? माइनस टू से प्लस टू, दोनों का वैल्यू ही माइनस टू टू प्लस टू वेरी करेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट फुल सर्किल के लिए। बट क्वेश्चन में जो कर्व गिवन है उसमें आप देखिए इसके साथ साथ और एक चीज मेंशन किया गया है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसमें एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है? माइनस टू टू 0 तक। y में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, y का वैल्यू तो माइनस टू टू प्लस टू ही है। माइनस टू टू प्लस टू, अगर आप इनको ड्रॉ करते हैं ये फुल सर्कल है,
एक्स वाई दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. सर्कल विल लुक लाइक दिस. रेडियस 2 यूनिट. इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू -2 है, यहाँ पे +2 है, वाई का वैल्यू यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है. ये फुल सर्कल है. लेकिन यहाँ पे एक्स का वैल्यू सिर्फ नेगेटिव होगा. ये कौन सा सर्कल होगा? हाफ मतलब किस हाफ, कौन से हाफ सर्कल की यहाँ पे बात कर रहे हैं? अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट राइट, किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट हाफ. लेफ्ट. एक्स का वैल्यू -2 से 0 है. यहाँ पे एक्स का वैल्यू -2 है और यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है. टू का वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये हमारे पास सर्कल है, सॉरी कर्व है. तो इसके अंदर जो पॉइंट होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा. जैसे सिंगुलर पॉइंट क्या क्या है इसके? जेड इक्वल टू +-1 एंड -3. तो बताइए इस हाफ सर्कल के अंदर कौन सा सिंगुलर पॉइंट होगा? सिर्फ ओनली -1. कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. हाँ जी सर. प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 52. प्रीवियस सर, जस्ट वन सेकंड. यहाँ पे तो क्लोज्ड कॉन्टूर है ना, ये जस्ट पेज 52. इसके लिमिट में माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी नहीं है. फंक्शन है 1/1 + z². और कर्व क्या है? कर्व और कॉन्टूर इज गोइंग फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. वाई तो कर्व जो है वो पहले कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. सपोज हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं माइनस आर, फिर आर को इनफिनिटी बनाएंगे, माइनस आर टू प्लस आर. तो पहले कॉन्टूर जो है वो माइनस आर से प्लस आर तक है. तो एरो इस तरफ होगा, क्लोज्ड इन द लोअर हाफ बाई हाफ सर्किल. ये लोअर हाफ में क्लोज्ड है बाई ए हाफ सर्किल. तो वैसा कुछ होगा. अब बताइए इस कर्व का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्वेश्चन में जो है सर्टे प्लस आर और वही कंटिन्यू होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? -2πiota, because clockwise है, residue. अब बताइए इस function के singular point कितने हैं? Plus minus iota है दो. Minus iota. और कौन सा point curve के अंदर होगा? Plus iota, minus iota. Plus iota या minus iota? Minus iota. Minus. Plus iota तो upper half में होगा. लोअर हाफ में होगा. जस्ट ये कैलकुलेट कर लीजिए. कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो कर्व के डायरेक्शन में है, बट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है माइनस आर टू प्लस आर. तो माइनस आर पॉइंट से प्लस आर पॉइंट तक जाने के लिए ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज ही आएगा. तो रेसिड्यू फॉर्मूले में ये एक्स्ट्रा माइनस साइन चलाएगा. माइनस साइन मिस किया तो आंसर भी गलत ही आएगा. चलिए बीपीपी 8 के 15
और 16th में e raise to power cos theta दे रखा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? कौन सा? DPP 8 के 15th और 16th में। आपका अप डाउन आउट डाउन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 DPP 8 क्वेश्चन में फंक्शन है e टू द पावर कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन है 0 to 2π। तो यहां पे हम इसको क्या रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट में तो cos थीटा ऊपर है उसको एज इट इज रखते हैं, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा sin थीटा लिख सकते हैं। जस्ट क्या चेंज हुआ, यहाँ पे cos sin थीटा था, cos sin थीटा तो रियल पार्ट होता है ना, तो रियल पार्ट ऑफ cos थीटा के बदले ये आ गया, इसका रियल पार्ट cos sin थीटा ही तो आएगा। तो इससे फायदा देखिए क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ 0 to 2π इन दोनों को पावर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पावर में एडिशन आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऑयलर्स फॉर्मूला। e टू दी पावर इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा थीटा। अब इसको z में चेंज कर सकते हैं जो सब्स्टिट्यूशन बताए गए थे, इसको बस सॉल्व कीजिए। सर इसी में 15th में प्लस n थीटा दे रखा है तो सेम प्रोसीजर ही होगा सर, है ना, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन में अगर माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी इंटीग्रल में कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे करेंगे, टोटल अलजेब्रिक है नहीं सर? कल क्लास में बताया जाएगा, टाइप टू अभी डिस्कस करेंगे, सिर्फ टाइप वन ही बताया अभी तक, नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।